वेलकम टू अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो ये वो एंट्रेंस है, यहाँ आपकी लिफ्ट है, इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, बाकी सारे फ्लोर्स है जिसमें आप जाके अपने अलग अलग क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ की साइड आपका कैंटीन है, यहाँ की साइड आपका जब आपका सर्दी होता है तो आप अपने कोट्स वोट्स उस साइड रखते हैं। अभी एंट्रेंस के बाद जैसे ही आप आते हैं, वी आर एट द ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी मतलब आप ऐसा समझिए, ये एक ऐसी लैब है जहाँ जो भी डॉक्यूमेंट अपना होता है, जो भी फॉरनर्स का आता है, जो भी आता है, दैट गोज टू दिस डोर। तो यहाँ सारे बैठे रहते हैं। तो दीज आर लॉट ऑफ रूम्स, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो भी कमीशन होती है, वो जो भी स्टूडेंट आता है, वो यहाँ क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स भेजता है, इंटरव्यू का, हर कोई चीज़ का, सब यहीं से डिसाइड होता है, किसका एडमिशन हुआ है, किसका एडमिशन नहीं हुआ। तो यही वो डिपार्टमेंट है जो आपके एडमिशन, मतलब जब आप एंटर करते हैं एक यूनिवर्सिटी को, उस डिपार्टमेंट को मतलब उस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज़ को यही डिपार्टमेंट देखता है। सो दिस डिपार्टमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिशन ऑफ एनीबडी, वेदर इट इज़ अ लोकल स्टूडेंट, वेदर इट इज़ यू नो फॉरेन स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट। सो दिस इज़ द ई डिपार्टमेंट, everything is in electronic form, इसीलिए इसका नाम ई डिपार्टमेंट। सो वी आर एट द फिफ्थ फ्लोर ऑफ अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो बड़े सारे पेरेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया है कि सर आप हमारे को बताइए कि हॉस्पिटल ड्यूटीज़ क्या है। तो फर्स्ट ईयर में देयर इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ एमरजेंसी मेडिसिन, उसका सिमुलेशन जो सेंटर होता है, अब मैं आपको वो दिखाऊँगा। सिमुलेशन सेंटर क्या है, जैसे कोई बच्चा, इफ़ एनी पर्सन, डॉक्टर जो होता है, जो उसको फर्स्ट एड देना होता है, अगर कोई मतलब एमरजेंसी में है, किसी का सांस रुका हुआ है, व्हाटएवर जो भी है, तो किसी बेबी का है, जो भी कुछ है, तो वो सिमुलेशन जो सेंटर होता है वो ये है। देखिए इसमें आप, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट आप किसी लाइव एक्टिव बॉडी पे ना, मतलब जो किसी, मतलब आप बंदे को नहीं लेटा सकते और बोल सकते हैं कि वी विल डू ऑल द एक्सपेरिमेंट। तो जो भी ये बॉडीज़ हैं, दे आर एक्टिव व्हेन यू स्विच देम, इनका जो पल्स है, इनका जो बीपी है, सब कुछ, दे आर लाइक द ओरिजिनल बॉडीज। तो इस पर वो सारी चीज़ की जाती है। उसके बाद और उस टाइम जो सिचुएशन होगा, जो रीडिंग आपका टीवी का होगा, उस हिसाब से क्या मेडिसिन आपको देना है, क्या इंजेक्शंस आपको देना है, क्या चीज़ें आपको देना है, वो सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स आपको बताते हैं। ये सारा सिमुलेशन सेंटर है जहां आप अपना इमरजेंसी मेडिसिन फर्स्ट ईयर का सीखते हैं। इसके बाद हम जाते हैं और एक सिमुलेशन सेंटर में, जो एक छोटा सा सेंटर है, जिसमें एक बेबी बर्थ जो होता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे लोकल, तो हाउ टू डू द बेबी बर्थ एंड हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स, ये देखिए, मतलब इन इस बॉडी का और नॉर्मल बॉडी का, दैट्स द फंक्शनिंग एंड ऑल द थिंग्स आर सेम। ये देखिए बीपी इसका देख रहे हैं, उसके बाद पल्स देख रहे हैं, एवरीथिंग, मतलब क्या क्या आपको मेडिसिन उस टाइम होना चाहिए, ये सारा आपको सिमुलेशन सेंटर में क्या कहते हैं दिखाया जाता है। ये आपका बाथरूम है जहाँ आप जा सकते हैं अपने स्टडीज़ के टाइम, देन आप इसमें एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद दिस इज़ योर स्टूडेंट कार्ड, आप अपना स्टूडेंट कार्ड यहाँ देंगे एंड यू कैन इशू अ बुक फ्रॉम हियर। आप उसे घर भी लेके जा सकते हैं घर के बाद, और यू कैन कम हियर एंड देयर इज़ अ पीसफुल एटमोसफियर, आपको शांत रहना है। दिस इज़ द लाइब्रेरी, ये आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं, यू कैन डू एनी थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, और दैट इज़ ओपन टिल 8 PM। आप मतलब अपने क्लासेज में जब भी आपके पास टाइम हो, यू कैन कम एंड स्टडी दियर। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। तो बुक्स के लिए हमारे को अंदर जाना पड़ेगा। अब हम मुझे जाइए थी तो पकड़ा इतनी ही होता था। अब हम आपको इंग्लिश में जो मटीरियल है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेसिक एंड क्लिनिक पैथोलॉजी, रॉबिन्स, ठीक है सर, रॉबिन्स, उसके बाद एटलस है आपका। तो जो भी बुक्स है ये देखिए, वही सारे ऑथर जो हम इंडिया में पढ़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसके बाद इंटरनल डिजीज, नेथर जिसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, बाइबल ऑफ क्या कहते हैं मेडिसिन, दैट इज़ बेसिक इम्यूनोलॉजी। उसके बाद आपका क्लिनिकल हो गया, उसके बाद एपिडेमोलॉजी हो गया, ठीक है ना। तो जो भी, इसके बाद ये देखिए ह्यूमन एनाटॉमी, द बीडी चौरसिया, ठीक है ना, ईच एंड एवरी बुक, हैरिसन 19th एडिशन, ये देखिए डेविडसन,
ठीक है ना। तो जो किताब आपको पढ़नी है, जो चीज़ आपको पढ़ना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस लाइब्रेरी। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। सो राइट नाउ वी आर इन अ डिपार्टमेंट जिसका नाम है सरर का, अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक सेकेंड डिपार्टमेंट है। तो ये जितना भी आप भीड़ भाड़ देख रहे हो यहाँ, आप साइड में आइए, इस साइड से चाहे सेकेंड फ्लोर हो चाहे थर्ड फ्लोर हो, ऑल इज़ फिल विद द एनाटॉमी डिपार्टमेंट। आप कुछ बच्चों को आपको दिखाता हूँ, देखिए वो अपना बुक्स लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अपना याद कर रहे हैं। ये देखिए तो पर्टिकुलर यू कैन हैव द बोन्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लास में कैसे बच्चे पढ़ते हैं क्लास में। ये देखिए, अब आप अंदर आइए, दीज आर द बोन्स, दीज आर द लोकल जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए ये म्यूज़ियम है और इसके साथ अगर बोन्स की हम बात करते हैं, देखिए आपने स्टूडेंट देखे होंगे तो आप बोलोगे कि यार बोन्स जो हमें पढ़नी है जो चीज़ें, ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है जिसमें एक मतलब छोटा सा पार्ट रखा गया है फॉर डेकोरेशन। बट इसके बाद भी आप यकीन कीजिए दे हैव अबाउट मोर देन 100 सेट्स ऑफ बोन्स जिनको बच्चे अपने साथ कैरी करके, मैंने अभी आपको बाहर एक वीडियो में दिखाया कि बच्चे के पास खुद अपने पास बोन है, मतलब ही इज़ अलाउड टू कैरी दैट बोन टू हिज क्या कहते हैं होस्टल और टू कैरी टू हिज फ्लैट। तो जो स्केलेटन होता है जैसे ये है, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप ये पूरा स्केलेटन ले जाए, आप जैसे अलग अलग बोन्स लेके इनको स्टडी करते हैं वो कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि एक टाइम पे आप ऑटोमेटिकली पूरा स्केलेटन तो नहीं पढ़ेंगे। और मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है, देखिए इतना सारा बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने अच्छे टीचर्स हैं, इंग्लिश में भी देखिए स्लैंग इंग्लिश का जो होता है ना वो अलग अलग होता है हर किसी नेशनैलिटी का, बट इट विल टेक यू 10 to 15 days, जब आप इनको सुनेंगे जब आप इनके साथ बैठेंगे यू विल लव इट। सो अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ अपने सारे फंक्शंस होते हैं, वेदर इट इज़ दिवाली, वेदर इट इज़ होली, वेदर इट इज़ ईद, या यहाँ का नवरोज फंक्शन होता है, वट एवर जो भी फंक्शन होता है, या कभी भी कोई बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कोई भी बाहर से वट एवर द डेलीगेशंस विल कम, तो ये वो जगह है, रेस्पेक्टेबल जगह जहाँ आप सारे बच्चे मिल के बैठते हैं। और देयर आर अगर रिएक्टर साहब को कुछ अनाउंसमेंट करनी है वट एवर, तो दैट्स द पोडियम जहाँ से आपको हर कोई चीज़ बोला जाता है, दिस इज़ द प्लेस जहाँ अपने सारे बच्चे बैठ के हर कोई चीज़ सुनते हैं। सो दे सेलिब्रेट दिवाली इज़ हियर, दे सेलिब्रेट होली इज़ हियर, दे सेलिब्रेट नवरोज़ हियर, दे सेलिब्रेट ईद ऑल्सो हियर। तो इट्स अ हॉल मतलब बच्चों के लिए, मतलब फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द किड्स, दैट्स इट। अब आप देखिए इसको, मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। When you got the degree, तो यही वो हॉल है where you will be awarded the degree with all the respected people, with all the ambassadors, with all the deans, with all the rectors साहब। तो ये वो podium है जहाँ आप journey करके आएंगे, आपकी पहली meeting यही होगी और last जब आप यहाँ से जाएंगे with your degree तो यही वो podium होगा जहाँ आपको हर कोई चीज़ available होगा। अभी हम आए हैं अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी की कैंटीन में, ये आपका जहाँ पढ़ाई होता है जो कॉर्पस है बेबिचलिक में ही कैंटीन है, और ये सारा आप लाइन देख रहे हैं बच्चों के लिए, एंड दैट फूड इज़ विद स्टूडेंट डिस्काउंट। मतलब ये नहीं है कि आपको आप समझिए मेरी बात, मतलब ये नहीं है कि आपको जो प्राइस रेस्टोरेंट प्राइस में है उसमें नहीं, आपका यहाँ रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा, चिकन के कटलेट्स मिलेंगे, देयर आर वेज थिंग्स ऑल्सो, उसके बाद आपकी ब्रेड भी मिलेगी, तो आपके बर्गर्स भी हैं, आपके फ्रूट्स भी हैं, वट एवर अ स्टूडेंट नीड यू नो फॉर हिज फूड वो अवेलेबल है और वेरी चीप रेट में। और ये देखिए बच्चे कितने हैं जो आपका फूड खा रहे हैं। We love Astana Medical University.